देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। जी हाँ, शुरुआत लखनऊ से आ रही बड़ी खबर की। जी हाँ, रात भर चली है प्रियंका गांधी की बैठक। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी की मैराथन बैठक। रात भर चली प्रियंका गांधी की बैठक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रात भर बैठक चली है। सुबह 5:30 बजे तक प्रियंका गांधी ने बैठक की है। जी हाँ, सुबह 5 बजे तक प्रियंका गांधी की बैठक चली है। 11 लोकसभा क्षेत्रों के पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात और प्रियंका गांधी की कांग्रेसियों के साथ लगातार ये मैराथन बैठक। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही हैं, संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा। पूर्वी यूपी की प्रभारी हैं प्रियंका गांधी। तो रात भर चली है प्रियंका गांधी की बैठक। सुबह 5:30 बजे तक प्रियंका ने मीटिंग की है और प्रियंका गांधी की कांग्रेसियों के साथ ये मैराथन बैठक। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही हैं प्रियंका, चुनाव कैसे लड़े हैं इसका फीडबैक ले रही हैं। जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा फीडबैक ले रही हैं। कार्यकर्ताओं की सलाह डायरी में नोट। प्रियंका के कमरे में बड़े नेताओं की एंट्री नहीं है। जी हाँ, रात भर चली है प्रियंका गांधी की बैठक। अब देखना होगा कि किस प्रकार से प्रियंका इस पूरे बैठक को अंजाम देती है। सुबह 5:30 बजे तक प्रियंका की यह बैठक चली है, प्रियंका गांधी की कांग्रेसियों के साथ मैराथन बैठक। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत समय तक मेरा इंतजार किया उनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और उनसे बहुत सीखने को मिल रहा है संगठन के बारे में, उनके क्षेत्र में संगठन कैसा है, डिस्ट्रिक्ट की कमेटियां कैसी हैं, ब्लॉक की कमेटियां कैसी हैं, सब जानकारी मैं ले रही हूँ। आगे का रास्ता भी हम लोग साथ में मिलकर तय करते हैं और जब एक समझ होगी, एक क्षेत्र की मुद्दों के ऊपर एक रणनीति बनेगी, उसी के तहत आगे का रास्ता हम लोग तय करने वाले हैं। दो मुद्दे हैं सामने, स्थानीय विषय और संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया, उन दोनों पर विश्लेषण आज करीब 12-13 घंटे के होंगे, कल करीब 16 घंटे के होंगे और किसी के आधार पर आगे का रास्ता हम तय करेंगे। उन्होंने कहा गुटबाजी खत्म करिए और जो भी हम यहाँ से आदेश मिलता है सब लोग उसका पालन करिए और बूथ स्तर पर युद्ध स्तर पर आप लोग लग जाइए कि वहाँ पे जो भी हम प्रत्याशी दे उसको जिता के आप लोग भेजिए। मोदी के गुजरातियों जो देश को लूट कर गए हो, प्रियंका गांधी की एनर्जी उनको बेकार और खैकार कर देगी और देश के गद्दारों से निपटेंगे चाहे जितना अफवाह फैलाओ। उन्होंने इतना अच्छा भरोसा कार्यकर्ताओं पे जताया कि नहीं, कार्यकर्ता ही हमारी जगह लड़ेंगे और कार्यकर्ता ही जीत करके पूर्वांचल को बड़ी से बड़ी संख्या में लाएंगे। हमारी लोग की इच्छा ये है कि फूलपुर से जो है चुनाव लड़ें। प्रियंका जी के आने से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो पूर्वी यूपी की प्रभारी हैं प्रियंका गांधी और लगातार मैराथन बैठक चल रही है। आज सुबह 5 बजे तक ये बैठक चली है और अब फिर से ये बैठकों का दौर शुरू होगा और कई तरह के निर्णय ले रही हैं। नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मिनट टू मिनट अपनी बात रखती हुई और साथ ही साथ उनसे भी फीडबैक लेती हुई कि किस प्रकार से काम किया जाए और निर्देश देती हुई। साथ ही साथ प्रियंका ने ये कहा कि किस प्रकार से तमाम जो बैठक है उसमें बातचीत। तो प्रियंका का ये झगड़ा था, आप देखिए किस प्रकार से आज बैठक हुई है सुबह तक और एक्शन में है प्रियंका, संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर लगातार चर्चा। बैठकों का दौर जारी है एक के बाद एक। जी हाँ, और कल लगभग 16 घंटे तक ये बैठक चली है सुबह 5 बजे तक और अब भी ये बैठक शुरू होगी और प्रियंका गांधी एक बार फिर से सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।
कार्यकर्ताओं में उत्साह और एक प्रेरणा मिल रही है कि जब इतनी बड़ी शख्सियत इतना टाइम दे रही है तो अब आपको भी वही टाइम देना होगा। इससे बहुत ही वैसा मैसेज गया है, जो काम कम करते हैं दिखाते जाते हैं उनको भी नसीहत है ये। देखिए, कमज़ोर कभी नहीं रहा, थोड़ा हल्का हो गया इसलिए कि परिस्थितियां ख़राब कर दी गई थी। साल भर से जिला अध्यक्षों की मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, वो आंदोलन, ये सूचना भेजने का भी टाइम ये है कि शाम को सूचना देते हैं, सवेरे करना। संगठन बिल्कुल ठीक है जो बनाया था, मधुसूदन मिस्त्री जी, निर्मल खत्री जी ने बनाया, उसके बाद जो लोग आए और उन्होंने भी काम चलाया, लेकिन अब संगठन में गति आ गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के संगठन को और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए लिया जा रहा है, और मैं समझता हूं कि प्रियंका जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनमें कार्य का विभाजन हुआ है पूरे प्रदेश भर का, उन्होंने अथक प्रयास से और कार्यकर्ता प्रोत्साहित हुए हैं, वो हर एक को लग रहा है कि हाँ अब हम को जुट जाना चाहिए और जुटेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाएंगे। कांग्रेस नेता संजय सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। संजय जी, आपने तो अमेठी में प्रियंका जी के साथ काफी काम किया है, जो शैली है बहुत मेहनत से काम करती हैं आप। पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को मेहनत करना पड़ रही, 5 बजे तक बैठक की उन्होंने, बहुत बड़ा संदेश है, बोलने से ज्यादा बड़ा संदेश है। अगर वर्कर ये देख रहा है कि हमारी अगुवा, हमारी नेता इतना देर तक काम कर रही पार्टी के लिए, तो वर्कर के लिए भी संदेश जाता है और हमें लगता है वर्कर इसको सीखेगा, समझेगा। अगर हम संगठन की बात करें तो ये लग रहा है कि संगठन बहुत कमजोर है कांग्रेस का, तो ऐसे में लग रहा है कि ज्यादा मेहनत की जरूरत है, जो संगठन कमजोर है उसको समय कम मिला है, 1.5 महीने का समय सिर्फ। ऐसा है, संगठन हमारा कभी कमजोर नहीं था, संगठन मजबूत था, हमारे लीडर वर्कर थोड़ा ढीले थे, वो चुस्त हो जाएंगे। आप लोगों को क्या संदेश दिया है? यही संदेश हम सबके लिए है, ये कोई नीचे से कार्य, हम भी तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राहुल जी और प्रियंका जी भी कांग्रेस की कार्यकर्ता पहले हैं, लीडर बाद में हैं, वो जो संदेश देते हैं वहीं से ऊपर नीचे तक बात जाती है। क्या कहा है, चूंकि गठबंधन भी एक बड़ी शक्ति के तौर पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, तो ऐसे में प्रियंका जी ने क्या कहा है कि उनकी लड़ाई गठबंधन से है या फिर बीजेपी से? हमारी लड़ाई सिद्धांतों की है, हमारे वसूल की लड़ाई है, भाजपा से है, और जो भी भाजपा से लड़ना चाहता है वो सब हमारे साथ होगा। एक आखिरी सवाल ये है कि जो संगठन है उसको मजबूत करने के लिए क्या आप लोगों को भी कोई निर्देश दिए गए हैं? वो एक बार में नहीं दिया था, वो शुरू से ही निर्देश है कि कांग्रेस को मजबूत करना है। बदलाव 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 नजर आएगा 2019 में? जरूर बदलाव होगा, मोदी जाएंगे और कांग्रेस आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे संजय सिंह, जिनका कहना है कि प्रियंका गांधी के आने से कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और जिस तरह से वो मेहनत कर रही हैं उससे लग रहा है कि 2019 में बदलाव जरूर नजर आएगा। कैमरामैन महीप के साथ फरमान अब्बास मंजुल, भारत समाचार, लखनऊ। और इसी खबर पर फरमान अब्बास हमारे साथ कांग्रेस मुख्यालय से जुड़ गए हैं सीधे हमारे साथ। फरमान, कल की मीटिंग सुबह 5 बजे तक चली है, क्या कुछ अब अभिषेक किस प्रकार से फरमान क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर आप? कितनी देर में प्रियंका गांधी आएंगी और आज का क्या कुछ कार्यक्रम है फरमान? देखिए, कल जो बैठक शुरू हुई थी वो आज सुबह 5 बजे तक चली, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं इससे कि कितना एक मैराथन बैठक हुई, पूरी रात कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात करती रहीं, फीडबैक लेती रहीं, बहुत खुलकर उन्होंने बातचीत की, खासतौर से जो संगठन को मजबूत करने के लिए जमीनी लेवल पर, अब बूथ लेवल पर उनसे चर्चा की और बूथ लेवल के संगठन की जानकारी हासिल की। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रियंका गांधी कितनी गंभीरता से उत्तर प्रदेश कांग्रेस की का जो प्रभार मिला है उनको, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, उसको उस प्रभार को लेने के बाद किस तरह से गंभीरता से एक एक चीजों पर, एक एक बिंदुओं पर बातचीत कर रही है। अगर हम उनके अनुभव की बात करें तो अमेठी और रायबरेली में उन्होंने इसी कार्यशैली पर, इसी पद्धति पर काम किया और वहां पर तमाम ऐसे बूथ के कार्यकर्ता हैं जिनको वो सीधे पहचानती हैं, सीधे उनका नाम लेकर जानती हैं और बूथ के एक एक कार्यकर्ता की का डाटा और आंकड़ा उनके पास है। तो ऐसा ही संगठन उत्तर प्रदेश में वो खड़ा करना चाहती हैं और इसकी उन्होंने शुरुआत की है। इसका नतीजा यह है कि कल जिस तरह से उत्साह नजर आया था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, 5 बजे सुबह तक यहां पर भीड़ लगी रही थी और आज भी अगर हम बात करें तो आज भी सुबह से कार्यकर्ताओं का यहां पर एक अच्छी खासी जो
संख्या है वो सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गई। यहाँ की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह की तस्वीरें हैं। सुबह से ही तमाम कार्यकर्ता दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर डटे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचेंगी और उसके बाद जो बैठक है वो शुरू होगी। कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है, हालांकि आज उनका वक्त नहीं है। ये बताइए, आप चित्रकूट से आए हुए हैं और आज आपका टर्न नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कल से आप डटे हुए हैं। हम लोग लगभग 11 तारीख से डटे हुए हैं और प्रियंका जी से मिलने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और प्रियंका जी के आ जाने के बाद से पूरे प्रदेश में कांग्रेस का माहौल है और कांग्रेस पार्टी गठबंधन और भाजपा मोदी दोनों फेल होंगे और कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि प्रियंका जी की कार्यशैली, प्रियंका जी के मिलने का तरीका, सारे कार्यकर्ताओं को बड़ा उत्साह और बड़ी उम्मीद है कि एक नई क्रांति आएगी। आपने देखा कि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उनको बड़ी उम्मीद है, एक नया उत्साह है उनके अंदर और उनका कहना है कि एक नई क्रांति आएगी। यही वजह है कि अब पिछले जिन कार्यकर्ता से हम बात कर रहे थे, पिछले 11 तारीख से ये चित्रकूट से आए हुए हैं और यहाँ पर डटे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी, कब उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से होगी। तो ये उत्साह है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में प्रियंका गांधी के आने के बाद। जी बिल्कुल, और फरमान कहीं ना कहीं देखिए, प्रियंका के आने के बाद बदलाव तो हमें भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय शायद इतना गुलजार जिस तरह से हो रहा है, लोग वहां पे पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता अपनी बात रखने के लिए, एक उम्मीद जरूर जगी है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी उनकी बात सुनेगी, उनकी बातों को रखेंगी और जो संगठन है वो कहीं ना कहीं मजबूत बनेगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें, तकरीबन 20 साल हो गए हैं, हम खुद भी कई बार यहां पर कांग्रेस के गजब कार्यक्रम होते हैं तो आते रहे और ये अमूमन देखा गया कि जिस दिन